अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज की जो मेरी ये वीडियो है, आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि किस चीज़ पे है। ये स्किन केयर की प्रोडक्ट के ऊपर है। ये वो स्किन केयर की प्रोडक्ट हैं जो गेम चेंजिंग इफेक्ट लाती हैं आपकी स्किन में, ठीक है? क्योंकि मैंने ये काफ़ी अरसे से मैं इनको यूज़ कर रही हूँ, और मैं आपको आंखें बंद करके इनका जो है वो भी रिव्यू दे सकती हूँ, इसकी जो जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ कि इनका रिजल्ट कैसा है और ये किस तरह की है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा जी, तो मैं जिन प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ वो जानी मानी सी हैं, आपसे भूली नहीं होंगी। अगर आप यूज़ करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो यकीनन आपकी नज़रों के सामने से एक ना एक दफ़ा तो ये चीज़ें ज़रूर गुजरी होगी। वो मैं बात कर रही हूँ ऑर्डिनरी की, ठीक है ना? और जो एक बहुत ही फेमस स्किन केयर ब्रांड है, और बहुत ही इनकी अच्छी चीज़ें होती हैं, और मेरे हाल में इधर के हिसाब से थोड़ा रीजनेबल भी पड़ता है। जैसा हम लोग सफोरा वगैरह से जाके बाई करते हैं तो उनकी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं, ठीक है? अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मेरी मोस्ट फेवरेट है, जो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो ड्राई, जो मेरा टी जोन सॉरी एरिया है ना, वो ऑयल छोड़ता है, ठीक है? ये मेरा टी जोन जो एरिया है उस पर ऑयल आता है, ठीक है? इसलिए बार ये जो स्किन केयर की प्रोडक्ट है ना, ये सबके लिए और स्किन टाइप है, हर एक के लिए सूटेबल है। जो पहला फर्स्ट मेरा मोस्ट 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 फेवरेट, जिसने मेरी स्किन टोटली चेंज कर दी थी ना, ठीक है, वो इनका है बफे सीरम। ये आप देखें, बफे सीरम है इनका, ठीक है? ये जो ये मल्टीपर्पज़ है, मैं इससे पहले हाइरोनिक एसिड भी इनका यूज़ करती थी, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये मल्टीपर्पज़ है। इसमें हाइरोनिक एसिड भी है और बेशुमार सीरम जो है ना वो इसमें डाल के तो ये बफे बना है, क्योंकि ये दूसरों की नस्बत थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, लेकिन ये गेम चेंजिंग जो है ना वो सीरम है। अगर आप इसको लगाते हैं ना, अगर रात को आपने इसको लगाने का तरीका कार ये है कि आपने रात को पहले फेस वॉश करना है, उसके बाद आपने फेस पर टोनर लगाना है, उसके बाद ये अप्लाई करके ऊपर ऑयल वगैरह जो कुछ भी नाइट क्रीम वगैरह या मॉइस्चराइजर आपने लगाना है लगा लें। लेकिन ये वर्ल्ड बेस्ट 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 सीरम है, ठीक है ना? मैंने हर तरह के सीरम जो फ्रेंच फार्मेसी से लेके यूज़ किए हैं और सफोरा से लेके यूज़ किए हैं, लेकिन औसम है यार, औसम है। अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो आंखें बंद करके आप इस पे कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद मुझे पर्सनली ना ऑयल बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है? ऑयल मैं इनके यूज़ करती हूँ, ठीक है? और जो मैं ऑयल यूज़ करती हूँ ज़्यादातर ऑर्डिनरी के, ठीक है, वो है जी एक ये मेरा रोज़ हिप सीड ऑयल है ऑर्डिनरी का, ठीक है? ये मेरा मोस्ट फेवरेट है और इसको मैं रात के टाइम जो है वो यूज़ करती हूँ। ये एंटी एजिंग के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है, आपके एजिंग के जो साइंस हैं उनको ये लेट करता है, क्योंकि ये हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है आपकी स्किन पे। और आपको पता है कि ऑयल्स में वैसे भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि और ये सारे कोल्ड प्रेस हैं, ठीक है ना? ये कोल्ड प्रेस ऑयल है और ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। ये ज़्यादातर ये और ये जो है ना, ये हर एक स्किन के ऊपर सूटेबल है, ज़रूरी नहीं ड्राई हो ऑयली हो। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो थोड़ा सा कम इस्तेमाल कर लेंगे, ड्राई है तो थोड़ा सा उसका एक पूरा ड्रॉपर इस्तेमाल कर लें। लेकिन रोज़ हिप सीड ऑयल जो है ना, ये स्किन को ब्राइटन अप भी करता है, आपकी स्किन को एजिंग साइंस को भी कम करता है, ठीक है? दूसरा तो हो गया ये मैं रात को इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद आ गया कोल्ड प्रेस वर्जन मरूला ऑयल, ठीक है? ये भी मेरा मोस्ट 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 फेवरेट है। ये भी उसके लिए इस्तेमाल होता है, ये भी एजिंग साइन को कम करता है, ठीक है? और आपकी स्किन को हेल्दी ग्लोई बनाता है। ये जितने भी ऑयल हैं ये सारे आपके, और खास तौर पे सीरम जो है, ये आपके डेड सेल्स को ख़त्म करते हैं, आपकी स्किन को हेल्दी ग्लोई शाइनी बनाते हैं और रीजनरेट आपकी स्किन को जो है उनके सेल को करता है, ठीक है? जो किसी ना किसी वजह से पानी पीने कम पीने की वजह से या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है उसकी वजह से आपकी स्किन डेड हुई हुई है, तो नींद खास तौर पे जो शादीशुदा लेडीज़ हैं, नींद ना पूरी होने की वजह से स्ट्रेस ज़्यादा, काम हर वक्त काम उसकी वजह से, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये जो आपके डेड स्किन सेल्स हैं उनको रीजनरेट करता है। तो ये मरूला ऑयल है, ये मैं ज़्यादातर सुबह के टाइम इस्तेमाल करती हूँ। जो रोज़ हिप सीड ऑयल है वो रात के टाइम, और ये सुबह के टाइम इस्तेमाल करती हूँ। रोज़ हिप सीड ऑयल जो है ना वो याद रखिएगा, वाइटनिंग एजेंट बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद है जी मेरा ये कैफीन सोल्यूशन है 5%, ठीक है ना? ये आई कंट्रोल सीरम है।
ये आई कंटूर है और इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो इस तरह की है। जिन लोगों को पफिनेस की प्रॉब्लम है खास तौर पे, मैं मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पता नहीं क्या मसला है, शायद बच्चों की वजह से बाज़ का नींद नहीं पूरी होती है ऐसा करके, तो उसके पफिनेस के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा अगेन क्रीमें इस्तेमाल की हैं। लेकिन ये जो सीरम है ना, मैं भी किसी ने आपको आई क्रीम भी बताऊंगी जो मैं ये यूज़ करके तो बाद में यूज़ करती हूँ, मुझे मोस्ट फेवरेट है मेरी आजकल, बहुत ज़बरदस्त है। तो ये है जो कैफीन सोल्यूशन 2.5% एग, ठीक है ना, ये आई कंट्रोल क्रीम है, ये आपकी फाइन लाइन्स को, आपके रिंकल्स को, खास तौर पे आपकी पफिनेस को ख़त्म कर दिया ऐसा ऐसा यूज़ करने से। आपको आपने बस जो आपकी आई कंट्रोल एरिया आपने उस पर अप्लाई करना है इसको, उसके ऊपर अगर आप कोई क्रीम आई यूज़ करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो ये लगा के तो आप सो जाएं। ये हो गया जी। उसके बाद अच्छा ये भी 100% जो ऑर्गेनिक वर्जन सिया बुकतम फ्रूट ऑयल है, पर ये बकवास है, ये मुझे ज़रा नहीं पसंद आया, ये आपके हेयर्स के लिए है ज़्यादातर, ये इसका जो स्टेन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है जिसकी वजह से मुझे ये नहीं पसंद, तो इस वजह से मैं रिकमेंड नहीं करती। लेकिन अगर आप करना चाहें इस पे तो आपकी अपनी मर्जी, इन्वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी ऑर्डनरी का जो पीलिंग सोल्यूशन है, ठीक है ना, ऑर्डनरी का मैं पीलिंग बहुत ही केमिकल पीलिंग भी होती है जो आपकी डॉक्टर वगैरह करते हैं, ठीक है ना, जो आपकी स्किन को रीजनरेट करती है, आपकी जैसा पिगमेंटेशन आपके फेस पे हो जाती है या डार्क स्पॉट हो जाते हैं इस आके उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ होती है। तकरीबन आप 2 वीक में एक दफ़ा आई थिंक कर सकते हैं इसको, आपने रख के कुछ टाइम में सब कुछ इसके ऊपर मेंशन होता है, ठीक है ना, आपने इसको फेस पे लगा के उसके बाद इसको फ़ौरन से साफ़ कर देना होता है। ये इस पर मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बिका रही क्योंकि ये भी मेरा फेवरेट है, ठीक है ना, ये AHA 30%, BHA 2% और पीलिंग सोल्यूशन है ये, 10 मिनट एक्सफोलिएटिंग फेशियल, PHA 3.6 है ये, ठीक है, इसको रख के पूरे 10 मिनट आपने रिमूव करना है। इस पर ज़्यादा इसलिए नहीं मैं कह रही, ये इस पर मैं प्रॉपरली वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी सारी। अच्छा जी, उसके बाद जो मेरी लास्ट प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ करती हूँ ऑर्डनरी की, वो है विटामिन सी सीरम है, इसका विटामिन सी सीरम है, और कंसिस्टेंसी की इसकी बात करें तो ये है इसकी, ठीक है ना, ना ही बहुत ही थिन है तो ना ही बहुत ही थिक है, इस तरह की है, हल्के हल्के से इसके अंदर इस तरह जैसा पार्टिकल्स नहीं उसके होते स्क्रब टाइप, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग है, ये विटामिन सी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, 23% इसके अंदर विटामिन सी है। जी मेरी स्किन सेंसिटिव है तो काफ़ी हैवी मॉइस्चराइजर लगा के फिर मैं इसको लगाती हूँ, अदरवाइज ये स्किन पे रैश करना शुरू कर देता है। अच्छा तो है लेकिन उन लोगों के लिए जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है जिस तरह से मेरी है तो मैं बोलूँगी कि अवॉइड ही करें। और ये जो मैंने आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर की हैं, आप यकीन करेंगे कि ये इन्होंने मेरी स्किन का टोटल ही सब कुछ चेंज कर दिया है, ठीक है ना, मेरी स्किन का टेक्सचर ही चेंज कर दिया हुआ इन्होंने, माशाल्लाह से कोई डार्क स्पॉट, कोई पिगमेंटेशन, कोई कुछ भी नहीं है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये वर्ल्ड 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 बेस्ट जो है ना वो स्किन केयर प्रोडक्ट है, खासतौर पर इसका बफे सीरम जो है और ऑयल इसके बहुत बेस्ट हैं। और आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे वो फ्रेंड जो मेरे से ऑर्डिनरी का रिव्यू मांग रहे थे उनके लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल रही होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।